तो चलिए एक और कोट करते हैं, और हमने यहाँ पर लिखा प्रो 30, एक और कोट ले लेते हैं। चलिए कोई, हमने यहाँ पर क्या ले, कौन सा प्रोग्राम ले ले, चलिए स्वैपिंग का करते हैं एक क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड स्वैप, ये क्वेश्चन आपको शीट में मिला है, ये क्वेश्चन, स्वैप देयर वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो चलिए आज फंक्शन से करते हैं, stdio.h। तो यहाँ पर हमने सपोज नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप से लेकर हम चल रहे हैं, और तो crstr डायरेक्टली आ जाएगा। स्वैप को कॉल कर लेते हैं। अब ये जो है वो कॉलिंग है, तो हमने कहा इंटीजर ए भी, अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग है, विदाउट यूजिंग है, हाँ विदाउट यूजिंग है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो मुझे तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है, दो ही वेरिएबल लेना है, तो हम ए और बी दो ही लेंगे। चलिए ठीक है, वही देखते हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया, एंटर टू नंबर्स स्कैनफ मोंटी मोंटी एम परसेंट ए एम परसेंट बी, और अब हमने कहा ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए इक्वल्स टू, चलिए चेक कर लेते हैं कि मुझे कोड रटा नहीं है, मैं भी मतलब करती हूँ, पर कहीं कहीं पर अगर कुछ है तो अभी हम उसको चेक कर लेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आउटपुट गलत आ रहा होगा तो हम इसको ड्राई रन करा के भी देख सकते हैं, इवन अभी ड्राई रन करा देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने जो वैल्यू इनपुट कराई वो ए इक्वल टू 10 थी और बी इक्वल टू 20 थी फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैंने यहाँ पर कहा ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 मतलब 30 हो गई है की वैल्यू, फिर हमने कहा नहीं जी तो ये गड़बड़ है कोड, यहाँ पर होना चाहिए बी, यहाँ होना चाहिए ए, लेट्स ट्राई। तो हमने कहा कि बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो बी इक्वल टू ए माइनस बी मतलब ए की वैल्यू तो अब 30 हो चुकी है और बी की वैल्यू है 20, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू हो गई 10। फिर हमने कहा कि ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू थी 30, नई नई वैल्यू कंसिडर होती है, और बी की वैल्यू जो नई वाली है वो है 10, तो भाई ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 20 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट के समय पर लिया था ए की वैल्यू 10 और 20, और आउटपुट के समय पर बी की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है और ए की हो गई है 20, मतलब दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो चुकी हैं, इंटरचेंज हो चुकी हैं। बिफोर स्वैपिंग तो हमने यहाँ मोंटी ए को प्रिंट करा लिया, और वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैपिंग, अब इसके बाद अच्छा थोड़ी बिफोर स्वैपिंग कहाँ है, तो आउट आफ्टर स्वैपिंग है, तो रुकिए, अच्छा यहाँ से हमने सब कॉपी किया और ये यहाँ पर पहले इसको प्रेस कराया बिफोर स्वैपिंग, और अब हम आफ्टर स्वैपिंग, ये फॉर्मूला लगा के हमने स्वैप कर दिया वैल्यूज को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब इंटरचेंज करना, एक की वैल्यू दूसरे में चली जाए, दूसरे की वैल्यू पहले में आ जाए। तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम हमारा, और इसको हम रन कराते हैं। तो ये सपोज ए यहाँ पर हमने 22 और बी इक्वल टू 33 लिया है, तो यहाँ पर ओके ये बिल्कुल एक लाइन में आ गया, तो इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने भाई नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर लगा दिया है, न्यू लाइन कैरेक्टर, तो क्या होगा सारी चीजें अलग अलग लाइन में आएंगी। तो वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग 22 और बी 33, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए 33 हो गई और वैल्यू ऑफ बी जो है वो 22 हो गई, यस है ना। तो ये सिंपल है, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, मैं आपको भी दिखाती हूँ स्क्रॉल करके।